नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फिल्मी लोग की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ साउथ की 6 बेहतरीन एक्शन कॉमेडी क्राइम थ्रिलर पर बनी है फिल्में। दोस्तों आज की सभी फिल्में एक से बढ़कर एक है और दोस्तों आज की सभी फिल्में हिंदी में यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी, मगर दोस्तों इस बात का ध्यान रखना इनमें से कुछ फिल्में अनऑफिशियल अवेलेबल है जो कॉपीराइट की वजह से कभी भी रिमूव हो सकती है, तो आप इन्हें जल्द से जल्द देख लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 6 पर आती 2016 में रिलीज हुई मलयालम लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म काली, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में डुलकर सलमान, साई पल्लवी और चेम्बन विनोद जोशे के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो सिद्धार्थ एक युवा है जो बचपन से ही क्रोध प्रबंधन के मुद्दों से जूझता है। उसकी शादी अंजलि से हुई है जिससे वह कॉलेज में मिलता था। अंजलि अपने पति को जीवन के प्रति अपने शॉर्ट टेम्पर स्वभाव को बदलने के लिए मनाने की उम्मीद करती है, लेकिन दूरस्थ राजमार्ग पर एक घटना आखिरकार इस मामले को तय करती है। और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म अनऑफिशियली अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 6 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7/10 और गूगल यूजर की तरफ से 83% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 5 पर आती है 2018 में रिलीज हुई मलयालम लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन कॉमेडी थ्रिलर वाली फिल्म माराडोना, और इस फिल्म को हिंदी में मिनल माराडोना के नाम से डब किया गया है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में टोविनो थॉमस, सरन्या आर नायर और माया मेनन के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो माराडोना भाड़े का एक ठग मुसीबत में पड़ जाता है और अपने रिश्तेदारों के साथ बेंगलोर के एक अपार्टमेंट में छिप जाता है। जैसे ही वह इमारत में नए दोस्त बनाता है, वह अपना भ्रष्ट जीवन शैली पर पुनर्विचार करना शुरू कर देता है। और कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म ऑफिशियली अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 5 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.3/10 और गूगल यूजर की तरफ से 89% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 4 पर आती है 2019 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म रक्षासुदु, और इस फिल्म को हिंदी में गुम नाम से डब किया गया है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में बेलमकोंडा, श्रीनिवास, अनुपम परमेश्वर, सूर्य और राधा रवि के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो अरुण एक नव युवक पुलिस सब इंस्पेक्टर एक कुख्यात सीरियल किलर का पीछा करता है जो किशोर लड़कियों को निशाना बनाता है और उनकी बेरहमी से हत्या करता है। हालांकि उनका मिशन जल्दी एक भयानक कीमत पर आता है। और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म अनऑफिशियली अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 4 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 8/10 और गूगल यूजर की तरफ से 93% लाइक मिला है। और उसके बाद नंबर 3 पर आती है 2021 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन कॉमेडी थ्रिलर वाली फिल्म पुष्पक विमानम, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में आनंद देवरकोंडा, साम्य मेघना, गीत सैनी और सुनील के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो सरकारी शिक्षक चित्ती लक्का सुंदर को शादी की बहुत उम्मीदें हैं, हालांकि वह उत्सुकता से मीनाक्षी नाम की एक युवती से शादी करता है, लेकिन सभी महान कल्पित सुंदर की आशाओं पर पानी फिर गया। शादी के कुछ दिनों बाद पत्नी मीनाक्षी किसी के साथ भाग जाती है। पत्नी के लापता होने की पुलिस को शिकायत न दे पाने पर वह खुद ही तलाश करने लगता है। चित्ती लंका सुंदर की पत्नी मीनाक्षी क्यों भागी? लापता हुई मीनाक्षी की क्या स्थिति है? क्या सुंदर की पत्नी मीनाक्षी लौट आई? ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म अनऑफिशियली अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 3 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.3/10 और गूगल यूजर की तरफ से 89% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 2 पर आती है 2021 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन ड्रामा थ्रिलर वाली फिल्म इराई थेडल, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में कृष्णजीत, सुप्रिया रवि और संजय के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो कैसे जांच करता बिना फोटो और ID के अपराधी को ढूंढते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। जांच करता ऐसा क्यों करते ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म ऑफिशियली अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 2 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.4/10 की रेटिंग मिली है। और इसके बाद नंबर 1 पर आती है 2022 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म ओटू, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में नयनतारा, सीवी भुवान चंद्रन, ऋत्विक और अर्जुनन के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे।
बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो पार्वती और उसका बेटा वीरा अपने फेफड़ों के प्रत्यारोपण की सर्जरी के लिए कोचिन की बस में हैं। वीरा की सुरक्षा के लिए पार्वती हमेशा एक अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलती है। एक भूस्खलन उनकी आशा और बस को कीचड़ और मलबे के पहाड़ के नीचे दबा देता है। बस के अंदर सभी को पता चलता है कि उनके जीवित रहने के लिए केवल सीमित ऑक्सीजन है और हर किसी की निगाह अपने बेटे के ऑक्सीजन सिलेंडर पर है। कैसे पार्वती अपने संघर्ष से बेटे को शिकारियों से बचाती है, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म अनऑफिशियली अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 1 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.9 out of 10 और गूगल यूजर की तरफ से 85% लाइक मिला है। दोस्तों तो ये थी साउथ की वे 6 बेहतरीन फिल्में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी बेहतरीन फिल्मों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।